हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम वाक्य पूरा करना है। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम वाक्य पूरा करना है। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम वाक्य पूरा करना है, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम आगे का बोलना है। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम इससे आगे, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम परेशानी में हो नहीं, दुखी हो नहीं, तुम बीमार हो नहीं। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो। आज कड़वे प्रवचन सत्संग का पहला दिन है। दिगंबर जैन समाज भोलानाथ के तत्वावधान में ये आने वाले चार दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बात की शुरुआत है और बात की शुरुआत यहाँ से है, हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम सबसे सुखी हो, किसी को पता ना चले कि तुम सबसे सुखी हो नहीं। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम बीमार हो नहीं। नहीं नहीं नहीं, बेईमान हो नहीं। यहां से बात हम शुरू कर रहे हैं। आने वाली है चार दिन हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देंगे, हमें झकझोरेंगे, हमें जगाएंगे, हमें सचेत करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है बागों में बयार आती है, बागों में बहार आती है, बसंत आने के बाद बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद, और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। ये आने वाले चार दिन हमारे जीवन में बहार लाएंगे, बसंत और संत। अरे बहार आ, बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जिंदगी में संत आता है तो जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। ये चार दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत का आना ही संत का आना ही बसंत का आना है। अरे बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, पर संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। शब्दों पर गौर करिएगा। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है। सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है, और मुर्दे को खड़ा करना ये संत का काम है। इसलिए ये आने वाले चार दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
मैं समझता हूँ यह जिंदगी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, उसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मुर्दा हो। नहीं नहीं नहीं, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मैं बताऊं बोलो ठीक है, मैं बताता हूँ। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो। ये क्या हो रहा है? हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं कहता हूं अक्सर आज दो सबसे ज्यादा दुर्लभ हुई, एक तो चेहरे की हंसी और दूसरी जिंदगी की खुशी। दो चीजें आज के जमाने में जब सब कुछ है, आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है, देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, पीने के लिए टी सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। ये जीवन की सच्चाई है, सब कुछ है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, चेहरे पर हंसी नहीं। अब घर में कभी मेहमान आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव, खुशियों का अभाव है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि ओछी बात नहीं करूंगा अब मैं। जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इसीलिए चेहरे की हंसी गायब हो गई। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं, अमीर के भी दिन आते हैं, गरीबी के भी दिन आते हैं। जिंदगी में कभी अमीरी के दिन आते हैं तो कभी गरीबी के दिन आते हैं। कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है, कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है, और कभी ढूंढने पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। जीवन का सच है, सबके जीवन में घटित होता है। कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है, और कभी ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती। सबकी जिंदगी में उथल पुथल आती है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तरुण सागर जी आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपके पास जितना है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, तो आगे आपके पास कितना भी हो जाए,
तब भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। आज आपके पास जितना है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, तो कितना भी आ जाए आदमी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। चेहरे पर मुस्कुराहट वापिस आए इसके लिए मेरी एक ही बात ध्यान रखना, अभाव की जिंदगी में भी खुशी का जीवन जी सको इसके लिए मेरी एक ही बात रखना, याद रखना। और वो बात है बस इतना याद रखना है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है, बोलो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतना आदमी के जीवन में आ जाए तो उसके 50% दुख खत्म हो जाए। 50% दुख हमारे अपने हो सकते हैं, 50% दुख तो हमने उधार लिए रास्ते चलते। किसी का अच्छा मकान देखा, हाय राम। किसी की बढ़िया गाड़ी देखी, 50% दुख हमारे अपने नहीं हैं, पड़ोसी के यहां से लिए। 50% दुख हमारे अपने हो सकते हैं, लेकिन 50% दुख तो हमारे अपने नहीं है, उधार लिए हैं, रास्ते चलते लिए हैं, कुछ पड़ोसी के यहां से लिए हैं, कुछ दुश्मन के यहां से लिए हैं, हमारे अपने नहीं है। आदमी अपने में नहीं जीता है। मेरी पुस्तक के कड़वे प्रवचन, उसमें मैंने लिखा है, अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। अमेरिका 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 में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। लंदन में लाइट जाती है तो बल्ब फ्यूज चेक करते हैं। और इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर जा के देखते हैं इसकी गई क्या। अमेरिका 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 में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। लंदन में लाइट जाती है तो बल्ब का फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में झांक के देखते हैं इसकी गई क्या। गई कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जीवन के लिए आपको एक ही वक्त भी याद रखना, ये 4 दिन जीवन में खुशियां लाने वाले दिन होंगे। ये 4 दिन आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन मन से अमीर बनेंगे। गरीब हैं हम, गरीब दो तरह के होते हैं, गरीब दो तरह के होते हैं, एक आर्थिक गरीब, एक मानसिक गरीब। एक आर्थिक गरीब, एक मानसिक गरीब। आर्थिक गरीब पहनने को कपड़े नहीं, ये आर्थिक गरीब है, ये आर्थिक गरीबी है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ये आर्थिक गरीबी है। और फटा हुआ जींस पहनना, बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या, गलत बोल रहा हूं क्या, आर्थिक गरीबी। पहनने के लिए कपड़े नहीं, ये आर्थिक गरीबी है। और फटा हुआ जींस पहनना, ये मानसिक गरीबी है। भारत मानसिक गरीब हो रहा है, भारत 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 मानसिक गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। बाल कटाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन लेकिन आजकल एक हेयर कटिंग चली है, दोनों तरफ सर्विस लाइन। दो अभी मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया था, चैतुर्मास चंडीगढ़ में किया, तो जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था मैंने देखा दोनों तरफ सर्विस लाइन, दोनों तरफ सर्विस लाइन। आज एक हेयर कटिंग ऐसी चली है, इधर 4 अंगुल गायब, इधर 4 अंगुल गायब, बीच में फ्लाईओवर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए क्या हो रहा है। कोई फिल्म
सफल हो तो फिल्म के हीरो की नकल चल पड़ती है, उसकी हेयर स्टाइल की नकल चल पड़ती है, उसके बोलने की नकल चल पड़ती है, उसके कपड़ों की नकल चल पड़ती है। क्यों? सबसे अलग दिखना है। क्यों? सबसे अलग दिखना है। अरे बाबा, अगर सबसे अलग ही दिखना है, तरुण सागर बन के दिखाओ। सबसे अलग जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए। आर्थिक गरीबी, मानसिक गरीबी, आर्थिक गरीबी से ज्यादा हम मानसिक गरीब हो रहे हैं। मन से गरीब। अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची, अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची और दुकानदार से कहा, भैया एक सस्ती सी साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है और काम वाली बाई को देनी है। अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची और बोली, भैया एक सस्ती सी साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है और काम वाली बाई को देनी है। थोड़ी देर बाद उसी दुकान पर वो गरीब महिला पहुंची और बोली, भैया एक महंगी वाली साड़ी दिखाओ, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मुझे उसे देनी है। मेरे मालकिन की बेटे की शादी है और मुझे उन्हें देनी है। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि अब अमीर कौन है और गरीब कौन है? बोलो, काम वाले अमीर है और अमीर गरीब है। महावीर ने कहा, आदमी मन से गरीब होता है, आदमी मन से अमीर होता है। आदमी मन से गरीब होता है, मन से अमीर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम मानसिक रूप से गरीब हो रहे हैं। मांझ इन बच्चों को डाबाइए, बीच में क्यों आ रहे हैं? ये हिलता है ना। क्या बोल रहा था मैं? मेरे साथ मुश्किल ये है, 10 मिनट में तो मेरी मशीन गर्म होती है और बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर ठंडी हो जाती है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? मानसिक गरीब, हम मानसिक रूप से गरीब हो रहे हैं, मन से गरीब हो रहे हैं। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए जो प्राप्त है, बोलो, वो पर्याप्त है। आधे दुख अभी आदमी के खत्म हो जाए। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि वो मंत्र आपको बता दूं और आपके जीवन के दुख खत्म हो जाए। मेरे पास का किसी साधु के पास ऐसा मंत्र नहीं है। लेकिन बारिश हो रही है, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपके पास छाता है तो बरसते पानी में निकल जाइए, बारिश आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती है। सत्संग में आने वाले लोगों को भी ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि दुख भरे संसार में निकल जाओ, तब भी तुम्हारी खुशियां बरकरार बनी रहेंगी, तब भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बरकरार बन रहेगी। वो छाता संत के पास, गुरु के पास आने के बाद वो छाता मुहैया कराया जाता है। दुख भरे संसार में भी तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती है, और वो छाता है जो प्राप्त है, बोलो, जो प्राप्त है, पर्याप्त है। आप दुकान पर बैठते कितने घंटे बैठते?
सुबह कितने बजे से? कितने बजे दुकान पे जाते हो? 9 बजे से। रात में कितने हो गए? 12। बाप रे बाप, 12 घंटे हो गए सुबह 9 बजे से रात में 6 घंटे हुए ना। 12 हो गए क्या? चलो 12 छोड़ो, 8 घंटे तो बैठते ही हो गए। कोई 12 घंटे नहीं बैठे, 8 घंटे तो दुकान पे बैठता ही होगा। 8 घंटे में कितने रुपए कमाए? 5,000। कोई ज्यादा होगा 10,000 कमाए, कोई और भी ज्यादा होगा तो 15,000 का, कोई और भी ज्यादा हुआ तो 20,000, और भी ज्यादा हुआ तो 30,000 कमाएगा 6 घंटे में, और भी ज्यादा हुआ तो 50,000 कमाएगा 6 घंटे में। 50,000 कमाए 6 घंटे में। लेकिन मैं सवाल करता हूं, वो 50,000 आपके साथ जाएंगे ये कन्फर्म है क्या? 50,000 रुपये आपने दिन भर में बैठ करके कमाए, वो आपके साथ जाएंगे, वो आपके साथ जाएंगे ये कन्फर्म है क्या? बोलो, कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे ये कन्फर्म है। वो 50,000 रुपये जो आपने कमाए हैं वो साथ में मरने के बाद जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो साथ में नहीं जाएंगे ये कन्फर्म है। और अगर आपने मंदिर जी में 1 घंटे का, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का समय निकाला और जो आपने पुण्य का संचय किया वो साथ जाएगा या नहीं ये कन्फर्म है? बोलो, जाएगा ये कन्फर्म है। अब कितनी सरल बात है, जो कन्फर्म नहीं है उसके लिए आदमी भाग रहा है और जो कन्फर्म है उसके लिए टाइम नहीं मार रहा है। टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। मन तो बहुत करता है, लेकिन मन तो बहुत करता है, मगर मन तो बहुत करता है, किंतु मन तो बहुत करता है, परंतु, ये किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये 4 शब्दों को कचरे के डिब्बे में डाल देना। ये चार शब्द कचरे के डिब्बे में डाल दो। मंगल, एक भाई आके बोले, महाराज आपका प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगता है घर द्वार परिवार छोड़ो और आपके साथ ही चलो। मगर मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम दिस कमरा। ये मंगल आ गया ना, अब ये तुझे खाएगा। ये मंगल आ गया ना, अब तो तू मेरे साथ चलने की बजाय तू गांव से बाहर तक छोड़ने भी नहीं जाएगा। मंगल आ गया ना। धर्म के मामले में गलिया मत निकालिए, धर्म के मामले में गलिया मत निकालिए। लोग धर्म के मामले में गलियां निकाल लेते हैं। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में नियम दिया कि प्रवचन के बाद नियम देता था, अभी तो नहीं देता हूँ, पहले देता था प्रवचन के बाद नियम। मैंने कहा आज कोई भी 12 बजे से लेके 12:15 बजे तक दर्पण नहीं देखने का, 15 मिनट। भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन समझ गए आप, बहुत समझदार हो, मतलब इशारों की भाषा समझ जाते हो। भाइयों को तो कोई तकलीफ नहीं, 15 मिनट की बात है, आधा घंटे की बात है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महिलाओं को बड़ी तकलीफ हो गई। अब एक महिला को, एक माता बहन को किसी पार्टी में जाना था, अब तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पार्टी में जाना है और महाराज ने कह दी दर्पण नहीं देखना। अब नियम भी पालना चाहिए, नियम भी नहीं टूटना चाहिए। गुरु जी का आदेश है, गुरु का आज्ञा, गुरु के बात का अपालन तो करना चाहिए। नियम भी पल जाए और काम भी चल जाए, ऐसा कुछ। उस महिला ने पता है क्या किया? अंदर कमरे में गई, नई स्टील की थाली। जय हो पंचम काल के भक्तों की, भक्तों की नहीं, कम भक्तों की। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बाबू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बाबू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर छोटी पैर पसार की सो रहा है, इसीलिए रो रहा है। धर्म की मार्ग में गलियां मत निकालिए, किंतु
परंतु लेकिन मगर मत लगाइए। जम सक गई तम की रही। आचार्य कुंद ने कहा जितनी शक्ति है उतना करो, पर करो, जितनी शक्ति है उतना करो, पर करो, जितनी शक्ति है उतना करो, पर करो। जम सक गई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करो, पर करो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में। ओछी बात नहीं बोलता मैं, करो करो। मुनि ज्यादा करते, आप उतना नहीं कर सकते। वो दिन में एक बार भोजन करते, आप वो नहीं कर सकते। दो बार करो, दो बार नहीं होता तीन बार करो, तीन बार भी नहीं होता तो चार बार करो, चार बार भी नहीं होता तो पांच बार करो, पांच बार भी नहीं होता तो छह बार करो। हाँ बढ़ाते जाओ महाराज, संख्या बढ़ाती जाओ, अच्छा है, करो। अरे इतना तो कर सकते होगा, दिन में खाओ जितनी मर्जी है, जितने बार है उतना खाओ, इतना तो कर सकते हो। रात में नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, रात में भी अगर नहीं हो सकता इतना नियम कर लो, 10 बजे बाद नहीं खाएंगे, 10 बजे बाद भी नहीं हो सकता तो इतना नियम कर लो, 12 बजे बाद नहीं खाएंगे, इतना भी। मैं यहीं चातुर्मास हुआ था 17 साल पहले, बोला नाथ नगर में रामलीला ग्राउंड में प्रवचन था। प्रवचन के बाद मैंने कहा नियम करो, सबको नियम करना चाहिए, कुछ ना कुछ नियम सबको लेना चाहिए। सब ने नियम लिए, किसी ने लिया रोज मंदिर जाएंगे, किसी ने नियम लिया चमड़े के जूते चप्पल 4 महीने नहीं पहनेंगे, किसी ने नियम कहे नौकरमंद की एक जाप करेंगे, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ नियम लिए। एक भाई आए, मैंने कहा तुम भी कुछ नियम करो। बोले मेरे क्या नियम करूँ मन मुनि जी। मैंने कहा रात में मत खाना, 4 महीने चातुर्मास में नहीं खाना, इतना नियम कर लो। बोले रात में मेरी मजबूरी है। मैंने कहा क्या हुआ। बोले दुकान से मैं आता ही 8 बजे हूँ, तो मैंने कहा नियम कर 9 बजे बाद नहीं खाना। बोले मजबूरी है। अरे मैंने कहा अब क्या मजबूरी है। बोले कभी कभी दुकान से आते आते ही 9 बज जाते हैं। मैंने कहा नियम कर 10 बजे बाद नहीं खाना। बोले मजबूरी है। मैंने कहा अब क्या मजबूरी है। बोले कई बार बाहर जाना पड़ता है, आते आते ही 10 बज जाते। मैंने कहा नियम कर 11 बजे बाद नहीं खाना। मैं भी पक्का था, मैं भी पक्का कर वो तो मैं भी पक्का। मैंने कहा नियम कर 11 बजे रात नहीं खाना। बोले मजबूरी है। अरे मैंने कहा अब क्या मजबूरी है। बोले कई बार शादी विवाह पार्टी में जाना पड़ता है, 11 बजे भी खाना। मैंने कहा नियम कर 12 बजे बाद नहीं खाना। बोले मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है। उसने बताया, मैंने कहा नियम कर कोई बात नहीं, सोने के बाद और जागने से पहले नहीं खाएगा, सोने के बाद और जागने के पहले नहीं खाएगा। बोले मजबूरी है। अरे बाप रे बाप, अब क्या मजबूरी है। बोले मुनि जी मेरे को तो सपने भी खाने पीने की आते हैं, अब बताओ अब क्या होगा, अब बताओ। तरुण सागर जैसे लोग कहेंगे ये आदमी है या भुखमरा है, नहीं सवाल है ना। जम सक गई तम की रही, जितनी शक्ति उतना करो, करो करो करो। रास्ता मत ढूंढो, बहाना मत बनाओ, गलियां मत ढूंढो, हमसे नहीं होता है, होता है आत्मा अनंत शक्ति की साथ। इसीलिए आचार्य कुंद ने कहा आत्मिदम कादब्बम यदि सकति परहिदम च कादब्बम। पहले अपना हित करिए, अगर समय मिलता है तो दूसरे का हित करिए, दूसरे का कल्याण भी करिए। पहले अपना हित करिए, अगर आप अपने हित कल्याण सोचेंगे तो दुनिया का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए महावीर ने कहा जी और जीने दो, पहले आपको जीना आ गया तो दूसरों को भी जीने का आप अवसर मुहैया करा सकते हैं। और खुद कोई जीने नहीं आया तो गई भैंस। वो भैंस यहीं बैठी है,
आप कहें तो खड़ा करूं। नहीं नहीं फालतू बात नहीं करता, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं। वो भैंस यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। बोलो बोलो। हाँ तुम थोड़ी बोलोगे, पता नहीं हमको ही खड़ा कर दे तो। अरे वो भैंस कोई नहीं, हमारा मन ही तो भैंस है ना। लाख बार गुरु समझाते हैं, लाख बार जिनवाणी समझाती है, लेकिन हमारे मन को वो समझ में नहीं आता है। तब तो यही कहना पड़ेगा, कुत्ते की पूंछ 12 साल। ओ, 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 ओ। समझ गए, कुत्ते की पूंछ। वो कहावत है, कुत्ते की पूंछ 12 साल, बांस की पोंगरी में डाल के रखो और निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। हिंदुस्तान में 10 लाख ज्योतिषी हैं, पर किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं बताया 1500 की नोट बंद होने वाले हैं। भारत में 10 लाख ज्योतिषी है, पर किसी भी ज्योतिषी ने नहीं बताया कि 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। और देश का संत मुनि सदियों से कहता आ रहा है कि भैया ये रंग बिरंगे कागज के टुकड़े हैं, किसी को समझ में नहीं आया। मोदी जी ने एक झटके में समझा दिया कि ये रंग बिरंगे टुकड़े हैं। संत हमेशा कहते, सदियों से कहते आ रहे हैं कि ज्यादा मोह मत रखो, इसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत रखो। मृत्यु के समय यह कागज के टुकड़े हैं, पर किसी को समझ में नहीं आया। मोदी जी ने एक झटके में समझा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, लातों के भूत ओछी बात नहीं करता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 8 घंटे दुकान में बैठे 50,000 रुपये कमाए, पर वो भी साथ में जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आपने घर से बाहर आके भगवान के सामने बैठे, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया, परिक्रमा लगाई, गंधोदक लिया, और जो आपने पुण्य का संचय किया वो कन्फर्म है, वो तुम्हारा अपना है। इसीलिए इस बात को याद रखिए कि धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, कि पहले इस्तेमाल करो। धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे धर्म तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है। धर्म लाइफ इंश्योरेंस, धर्म जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। 8 घंटे दुकान पे बैठ के 50,000 रुपये कमाए, पर ये कन्फर्म नहीं है कि वो तुम्हारे साथ जाएगा, पर ये कन्फर्म है कि वो साथ में नहीं जाएगा। पर 10 मिनट आपने मंदिर जी में गुरु चरण में बैठ करके भक्ति करके धर्म ध्यान करके पूजा पाठ प्रक्षाल अभिषेक करके तप करके उपवास करके आपने जो पुण्य का संचय कमाया वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए जीवन के लिए याद रखिए जो वक्त आज आप भगवान की भक्ति में समर्पित कर रहे हो, जो वक्त आज आप भगवान की भक्ति में समर्पित कर रहे हो, वही वक्त भक्त पर काम आएगा। जो वक्त आज गुरु भक्ति में, जो वक्त आज भगवान की भक्ति में आप समर्पित कर रहे हो, वही वक्त वक्त पर काम आएगा। बाकी खाया खोया बह गया, बाकी खाया खोया बह गया। मत भूलो
कड़वे प्रवचन सत्संग का ये पहला दिन, और पहले दिन में केवल इतना ही याद रखना है कि भगवान याद करे इससे पहले भगवान को याद कर लेना है। ज्यादा याद नहीं रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना ही याद रखना कि भगवान याद करे इससे पहले, बोलो, इससे पहले भगवान को याद कर लेना। और दो लोगों को कभी नाराज मत करना, दो लोगों को कभी नाराज मत करना, दो लोगों को कभी नाराज मत करना। एक, डॉक्टर को नाराज नहीं करना। दो, भगवान को नाराज नहीं करना। दो लोगों को कभी नाराज मत करना। एक डॉक्टर को नाराज मत करना, एक भगवान को नाराज मत करना। क्यों? भगवान को नाराज करोगे वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज करोगे वो तुम्हें भगवान के पास। दोनों को नाराज मत करिए, इसलिए भगवान याद करे इससे पहले सुबह उठो तो क्या करना, सुबह उठो। कई लोग तो सुबह उठते ही सबसे पहले उनके मुख से शब्द निकलता है, चाय बन गई क्या, चाय चाय ना हुई ईश्वर्य राय होगी, ये क्या हो रहा है। सुबह उठ, 12 बजे तक खाता रहा पीता रहा, 1:30 बजे तक खाता रहा पीता रहा, 2 बजे तक खाता रहा पीता रहा, 2:30 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, खाते पीते सो गया, सुबह सो के उठा और पहला शब्द उसके मुख से निकला, चाय बन गई क्या, ये आदमी है या भुखमरा, ये बोलना पड़ेगा ना। चाय पिए आपकी मर्जी, दूध पिए आपकी मर्जी, नाश्ता करे ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नाश्ता करने से पहले प्रभु के चरणों में आस्था का अर्घ समर्पित जरूर करना। आस्था का अर्घ, नाश्ता से पहले आस्था का अर्घ समर्पित करिए। कुत्ते को भी जिस घर से दो रोटी मिलती है, कुत्ता भी एक बार उस घर के दरवाजे पर हाजिरी लगाने जरूर जाता है। कुत्ता 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 कुत्ता, आजकल तो हालत बहुत बुरी है, हालत इतने बुरे हो गए, इतने बुरे हो गए। पहले व्यक्ति घर के दरवाजे पर एक आदमी को बिठा के रखता था कि कोई कुत्ता ना घुस आए, समझ गए क्या, बहुत समझदार है भैया ये तो। पहले समय कैसा बदला, पहले 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 व्यक्ति घर के दरवाजे पर एक आदमी को बिठा के रखता था कि घर में कोई कुत्ता आदि ना घुस आए, अब घर के दरवाजे पर कुत्ता बैठता है कि कहीं कोई आदमी ना घुस आए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, है क्या हो? समय ने ऐसी करवट ली। पहले जब कभी हमारे घरों में कोई शादी विवाह का प्रसंग होता था, घर की महिलाएं खुद खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाएं नाचती थी, समय ने कैसी करवट ली। पहले हमारे घर में कोई शादी प्रसंग होता था, घर की महिलाएं अपने हाथों से खुद खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाएं नाचती थी, और अब भाड़े की महिलाएं खाना बनाती है और घर की महिलाएं छम्मक छल्ला। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है, ये क्या हो रहा है। आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की संप्रति के लिए याद रखिए। बहुत सीधी सरल बात कह रहा हूं, बहुत गूढ़ गंभीर बात नहीं कह रहा हूं, अनपढ़ आदमी भी समझ जाए वो बात कह रहा हूं कि भगवान याद करे, बोलो, इससे पहले भगवान को याद कर लेना। इस बात को तो अनपढ़ भी समझ सकता है, बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बड़ी बात मुझे आती भी नहीं है,
मैं छोटी सी बातें करता हूं। भगवान याद करो, इससे पहले भगवान को याद कर लीजिए। नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ समर्पित कर लीजिए। कुत्ते को जिस घर से दो रोटी मिलती है, कुत्ता भी उस घर पे एक बार हाजिरी लगाने जरूर जाता है। अरे जिस भगवान की पूजा से, भक्ति से, प्रार्थना से, आराधना से, इबादत से, अरदास से हमें आज सब तरह की सुविधाएं मिली जीवन में, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि घर से निकले, चार कदम चले और मंदिर जाकर उसको ढोंक दे और धन्यवाद ज्ञापित करे? क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है? क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? सोचिए, सोचिए, समझिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अच्छा कौन? कुत्ता के आदमी? वो ची बात तो मैं बोलते ही नहीं, बंद कर दी बिल्कुल। अच्छा, सवाल खड़े करता हूं मैं जिंदगी के सामने, सवाल खड़े करता हूं मैं लोगों के सामने, सवाल खड़े करता हूं। दो रोटी मिले, कुत्ता हाजिरी लगाता है? जिस भगवान की भक्ति से आज हमें सब तरह के जीवन में अनुकूलता मिली, सब तरह का सुविधाएं मिली, सुख मिले, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है चार कदम चल करके, चार कदम चल करके मंदिर जाए, धन्यवाद करें, मत्था टेके, घुटना टेके, मत्था टेके, हाथ जोड़े, वंदन करे, धन्यवाद दे? इतना तो करना पड़ेगा। अरे तुम्हें तो सिर्फ चार कदम चलना है, भगवान तुमसे कहता है तू चार कदम चल करके मेरे दर पर आ, मैं हजार कदम उतार के तेरे दर पे आऊंगा और मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें चार कदम चलना है, उसे हजार कदम चलना है। चार कदम चलने की तू ईमानदारी दिखाओ। इतना भी नहीं कर सके तो वो भैंस को याद रखना, तरुण सागर को भूलना हो तो भूल जाना। तो गई भैंस, काली वाली भैंस भी कौन सी, काली वाली पानी में गई। इतना भी नहीं कर सकते तो ये काली भैंस वाले, ये जिंदगी जो बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन मिला वो पानी में जाने वाला है। समय हो रहा है, आपने बड़े प्रेम से सुना, कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। जय महावीर। जय कर गुरुदेव।